नाउ आज का हमारा टॉपिक है एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इसकी स्टेटमेंट और साथ साथ इसका प्रूफ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दो तीन डेफिनेशंस करवाऊंगा, जिसमें सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट है पीस वाइज कंटिन्यूटी। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि पीसीज में कंटिन्यूटी होगी। ए फंक्शन एफ टी इज सेट टू बी पीस वाइज और सेक्शनली। फंक्शन को हम पीस वाइज कंटिन्यूस बोलेंगे इन एन इंटरवल ए क्लोज इंटरवल ए बी, इफ क्लोज इंटरवल ए बी कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल। अगर इस क्लोज इंटरवल को हमने फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, इन ईच ऑफ विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस। और जो इस इंटरवल को हमने सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया और सब इंटरवल में फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस, देन उस फंक्शन को हम बोलेंगे पीस वाइज कंटिन्यूस, मीन पीसीज में कंटिन्यूस है। मे बी हो सकता है कि क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन डिसकंटिन्यूज हो, लेकिन जब उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, वो छोटे छोटे सब इंटरवल्स में फंक्शन कंटिन्यूज है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल कंसिडर करूं -1 to 2, मैंने एक फंक्शन हमारे पास ब्रेक करके गिवन है, ब्रेक करके दिया हुआ है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है बट लेस देन 0 है तो फंक्शन -2x है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 है जब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 2 है हमारे पास, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बट लेस देन इक्वल टू 2 है तो हम फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, 2x। तो अगर पीसीज में बात करें, सब इंटरवल में बात करें, पहले सब इंटरवल की बात करें, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास -2x है, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूज होगा। फिर अगर 0 to 1 की बात करें तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2 है, कांस्टेंट फंक्शन है, इस सब इंटरवल में कंटिन्यूज है। सिमिलरली अगर 1 to 2 बात करें तो फंक्शन की वैल्यू अगेन हमारे पास 2x है, अगेन पॉलिनोमियल, कंटिन्यूज है। तो पीसीज में ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूज है। एक और एग्जाम्पल यहां पे कंसिडर कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर लूं फ्रॉम 0 to 3, तो जैसा कि हमें पता है कि एफ एक्स की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2 तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x बट लेस देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी, और x की वैल्यू जब 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3। तो अगर 1 पे देखें तो 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूज है, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 1 पे राइट हैंड लिमिट 1 है, 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूज है। सिमिलरली 2 पे डिसकंटिन्यूज है, मीन्स ये कि 0 to 3 तो फंक्शन डिसकंटिन्यूज है। लेकिन अगर पीसीज की बात करें तो सब इंटरवल्स में फंक्शन कंटिन्यूज है। अगर इसका ग्राफ बनाएं तो ये हमारे पास 0, 1, 2, 3, और यहां पे वैल्यू 1, 2, वाई की वैल्यू, अगर एफ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 1, 2, 3 की बात करें तो 0 to 1 हमारे पास जो ग्राफ आएगा, जैसा कि आपने ये +2 में ही कर रखा है, तो यहां पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और 1 to 2 है तो ये वाली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन के ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और 2 से लेके 3 तक हमारे पास बट लेस देन 3, और 3 पे यहां पे वैल्यू क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 3, स्टेप फंक्शन है। ओवरऑल अगर 0 to 3 की बात करें फंक्शन डिसकंटिन्यूज है, लेकिन अगर पीसीज सब इंटरवल्स की बात करें 0 to 1 की बात करें तो 0 to 1 हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूज है, 1 to 2 पीसीज में फंक्शन कंटिन्यूज है, लेकिन अगर 0 to 3 की बात करें तो फंक्शन यहां पे क्या है, डिसकंटिन्यूज। तो ये तो होगी बात पीस वाइज कंटिन्यूज फंक्शन की। नेक्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। नाउ फंक्शन, ए फंक्शन एफ टी इज सेट टू बी ए फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर,
गामा, गामा यहां पे क्या है, ग्रेटर देन जीरो। एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर किसी फंक्शन को फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा, इफ लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस गामा टी इन टू एफ टी, अगर ये वाली जो लिमिट है फंक्शन की, अगर ये हमारे पास एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, देन हम जो हमारे पास फंक्शन है एफ टी उसको हम बोलेंगे ए फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा। अगर इसकी एग्जांपल कंसीडर करें, नाउ लेट एफ टी अगर मैं कंसीडर करूं टी टू द पावर एन, वेयर एन हमारे पास नेचुरल नंबर है, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा एस टी अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो अगर लिमिट की बात करें, लिमिट टी अप्रोचेस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस गामा टी इंटू टी टू द पावर एन, तो गामा क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, तो ये हमारे पास ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू टी टू द पावर एन, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, और ये हमारे पास क्या है इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, जैसा कि हमें पता है इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नाउ दिस कैन बी रिटन एज लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर गामा टी। नाउ इट इज बिकम, इट बिकेम इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल अगर अप्लाई कर दें तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंट डेरिवेटिव करेंगे एन इंटू टी टू द पावर एन माइनस वन, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा गामा इंटू ई टू द पावर गामा टी। अब फिर से ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। नाउ ये लगाते जाएंगे कब तक, एन स्टेप्स के बाद। सो आफ्टर एन स्टेप्स नाउ कंटिन्यू लाइक दिस वी विल गेट एन फैक्टोरियल टी टू द पावर जीरो डिवाइडेड बाय गामा टू द पावर एन ई टू द पावर गामा टी। तो जब इस एल हॉस्पिटल रूल को हमने एन टाइम्स लगा दिया, नाउ अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू जीरो, तो विच इज फाइनाइट नंबर, ये हमारे पास फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। सो देयरफॉर ये जो हमारे पास टी टू द पावर एन है, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा। गामा की वैल्यू आप यहाँ पे टू भी कंसिडर कर सकते हो, आप वन भी कंसिडर कर सकते हो, ई टू द पावर अगर वन कंसिडर करें तो ई टू द पावर माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर भी डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे ई टू द पावर टी तो सेम आ जाएगा, वो भी आंसर जीरो ही होगा। और अगर एक तो हमने ये वाली फॉर्म की डेफिनेशन की, और एक अनदर फॉर्म की अगर बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा का होगा अगर फॉर गिवन पॉजिटिव नंबर एम, अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर एम है, नेचुरल नंबर है, देयर एग्जिस्ट ए नंबर, रियल नंबर कैपिटल एम ग्रेटर देन जीरो, सच दैट अगर मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर माइनस गामा टी इंटू एफ टी लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और इट कैन बी रिटन एज अगर ई टू द पावर माइनस गामा टी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो इसको अगर पहले तो हम कॉमन ले लें, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये बाहर आ जाएगा, फिर डिवाइड कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एफ टी इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ई टू द पावर गामा टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। मीन्स या तो आप ये वाली डेफिनेशन यूज कर लो, या फिर हम ये वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हमारा मेन टॉपिक, एग्जिस्टेंस ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। नाउ सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें, तो ये आपको स्टेटमेंट प्रूफ थ्योरम आ सकती है, तो आपने स्टेटमेंट भी इसकी याद करनी है। इफ एफ टी इज ए पीस वाइज कंटिन्यूज इन एवरी फाइनाइट इंटरवल, तो अगर एफ टी हमारे पास पीस वाइज कंटिन्यूज फंक्शन है इन एवरी फाइनाइट इंटरवल एंड इट इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा, तो जैसा कि हमने पीस वाइज कंटिन्यूज और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा को डिफाइन किया है फंक्शन को, एस टी अप्रोचेस इन्फिनिटी देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल एस ग्रेटर देन इक्वल टू गामा। गामा यहां पे क्या है, फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर।
ओनली उस केस में हमारे पास लैपलेस ऑफ एफ टी एग्जिस्ट करेगी। नाउ अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर लैपलेस ऑफ एफ टी की बात करें स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इट इज इसको हम कैपिटल एफ एस के साथ भी डिनोट कर लेते हैं और बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी और लिमिट हमारे पास क्या है जीरो टू इन्फिनिटी। नाउ अगर इसको मैं ब्रेक कर लूं जीरो टू एम ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस एम टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यहां पे हमारे पास एम क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इस इक्वेशन में को मैं कंसिडर कर लेता हूं इक्वेशन नंबर वन। तो मीन्स कैपिटल एफ एस हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एम प्लस एम टू इन्फिनिटी। नाउ अब हमें यह गिवन है कि फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूज है इन एवरी फाइनाइट इंटरवल। तो फाइनाइट इंटरवल में फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूज है। अब जीरो टू एम की बात करें तो ये तो हमारे पास फाइनाइट इंटरवल है, एम यहां पे फाइनाइट नंबर है। नाउ बिकॉज ये हमारे पास इट इज ए फाइनाइट इंटरवल एंड वी नो दैट के एफ टी हमारे पास पीस वाइज कंटिन्यूज है इन एवरी फाइनाइट इंटरवल, देयर फोर एफ टी इज पीस वाइज कंटिन्यूज फंक्शन इन क्लोज इंटरवल जीरो टू एम। तो अगर इस इंटरवल में पीस वाइज कंटिन्यूज है देन इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एम ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। मीन्स ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा और इट इज इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर सपोज एन, और वेयर एन हमारे पास क्या है एक फाइनाइट रियल नंबर होगा। ओके नाउ से दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ अब यहां पे अब ये तो फाइनाइट आ गया नंबर, मीन्स कैपिटल एफ एस की बात करें मीन्स लैपलेस ऑफ एफ टी, ये तो नंबर हमारे पास फाइनाइट आ गया। अगर हम ये भी प्रूव कर दें कि फाइनाइट क्वांटिटी आएगी देन फाइनाइट प्लस फाइनाइट फाइनाइट आ जाएगा, मीन्स लैपलेस ऑफ एफ टी एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली। नाउ मेन अब हम डिस्कस करेंगे इस इनफाइनाइट इंटरवल की बात करेंगे। नाउ एफ टी ये हमें गिवन है इट इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा एस एस टी अप्रोचिस इन्फिनिटी। सो देयर फोर यूजिंग डेफिनेशन जो हमने एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में की थी मॉडुलस ऑफ एफ टी इज लेस देन कैपिटल एम इंटू ई टू द पावर गामा टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ओके तो इट मीन्स नाउ अगर हम इस इंटीग्रल की बात करें इंटीग्रल एम टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, नाउ इसका मैं यहां पे मॉडुलस कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि हमने सिर्फ ये शो करना है कि ये वाला इंटीग्रल फाइनाइट आएगा। ठीक है वैल्यू क्या आएगी वो मैटर अभी नहीं करती, हमने जस्ट ये शो करना है कि ये जो इंटीग्रल है इट एग्जिस्ट फाइनाइटली। नाउ मॉडुलस कंसीडर किया इट इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम एम टू इन्फिनिटी किसका ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, और अगर इसको सेपरेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम एम टू इन्फिनिटी, अब क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास पॉजिटिव होगा ई टू द पावर माइनस एस टी और मॉडुलस आ जाएगा हमारे पास एफ टी का, और एफ टी का मॉडुलस की अगर बात करें तो यूजिंग डेफिनेशन ये हमारे पास है लेस देन इक्वल टू e टू द पावर माइनस एस टी और इसका मॉडुलस हमारे पास है लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम e टू द पावर गामा टी डी टी। नाउ इट इज इक्वल टू एम इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस एस माइनस गामा इंटू टी, इंटीग्रल है हमारे पास और लिमिट्स हमारे पास है एम टू इन्फिनिटी और इसको ये हमारे पास सिंपल क्योंकि एस ग्रेटर देन गामा है, क्योंकि ये जितना भी हमारे पास इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एस ग्रेटर देन इक्वल टू गामा, तो एस ग्रेटर देन गामा है
तो इसका इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा एम इंटू ई टू दी पावर माइनस एस माइनस गामा इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एस माइनस गामा, लिमिट हमारे पास है एम टू इन्फिनिटी। नाउ इन्फिनिटी पुट किया, अब एस ग्रेटर देन गामा है, ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, सो ये बन जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो माइनस लोअर लिमिट। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम इंटू ई टू दी पावर माइनस ऑफ एस माइनस गामा इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एस माइनस गामा। क्लियरली एस जो हमारे पास है इट इज ग्रेटर देन गामा। नाउ नाउ अब इस इंटीग्रल की बात करें, जो इंटीग्रल हमारे पास एम टू इन्फिनिटी है, इसकी जो इसका जो मॉडुलस है इट इज लेस देन इक्वल टू दिस नंबर, एक फाइनाइट नंबर है क्योंकि स्मॉल एम भी फाइनाइट है, कैपिटल एम भी फाइनाइट है, गामा भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर थ्री कंसीडर कर लें, सो देयर फोर फ्रॉम वन टू एंड थ्री मीन ये वाला इंटीग्रल भी फाइनाइट है और इसका मॉडुलस भी फाइनाइट है, इसका मॉडुलस फाइनाइट है तो ये भी नंबर एक फाइनाइट नंबर ही होगा। अगर मॉडुलस पॉजिटिव है 100 तो ये 100 भी हो सकता है, माइनस 100 भी हो सकता है तो पॉजिटिव नंबर है ना, सॉरी है तो फाइनाइट क्वांटिटी, ये भी फाइनाइट क्वांटिटी, ये भी फाइनाइट क्वांटिटी। सो देयर फोर फ्रॉम वन टू एंड थ्री, सो देयर फोर फ्रॉम वन टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री कैपिटल एफ एस हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फाइनाइट नंबर, मींस एग्जिस्ट फाइनाइटली, हेंस वी कैन से दैट लैपलेस ऑफ एफ टी एग्जिस्ट फाइनाइटली, मींस फंक्शन की लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली। तो ये तो था हमारे पास प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म।